कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। चूंकि कंप्यूटर का पहली बार निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं चार्ल्स बेबेज, अतः इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर का निर्माण किया था। बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार 600 ईसा पहले गिनतारे का विकास मेसोपोटामिया में हुआ। इसी प्रकार कैलकुलेटर 17वीं शताब्दी में डानन नेपियर ने किया था, जिसका उपयोग गणितीय गणनाओं हेतु ही किया गया था। इसके बाद 1671 में ब्रान गोट फ्राइड ने गणना करने वाले कैलकुलेटर का आविष्कार किया। 1942 में बेब पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जिसे पास्लिंग कहते हैं। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाने लगा, जैसे कि व्यावसायिक क्षेत्र में ईमेल, लिसनिंग, व्यूइंग और ऑडियो, मूवी एडिटिंग, डेटाबेस आदि के लिए किया जाने लगा। इसका उपयोग बैंकों में, शैक्षणिक स्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, कंप्यूटर का उपयोग हर वह जगह होने लगा जहां पर व्यवसायिक हैं और गैर व्यवसायिक हैं। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। तो ये मैंने आपको यूजर के बारे में बताया और प्रोग्रामर के बारे में बताया। अब कंप्यूटर को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब है जिसे हम छू नहीं सकते, हम देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, वो पार्ट हार्डवेयर होता है।